दोस्तों, अगर आपके पास इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की कार इंश्योरेंस पॉलिसी है या एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि आपका पैसा वसूल हो जाएगा पॉलिसी में जो आपने इन्वेस्ट किया है। हम आज जानेंगे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के ब्रांच एड्रेसेस कहाँ कहाँ हैं पूरे इंडिया में, ब्रांच से हमें क्या काम पड़ेगा। दोस्तों, जब कोई क्लेम आता है, क्लेम अप्रूव हो गया, अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवाने हैं, कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ब्रांच से। ब्रांच बहुत दूर है, जाना नहीं पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, ईमेल आईडी कैसे पता चलेगी ब्रांच की ताकि आप अपनी बात लिख भी सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कैशलेस गैराज की। कैशलेस का मतलब है कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो गाड़ी रिपेयर करवानी है तो हमें एडवांस में पैसे नहीं देने हैं, उसे कैशलेस फैसिलिटी कहते हैं। तो वो कौन कौन से गैराजेस या वर्कशॉप्स हैं जहां पे इफ्को टोक्यो का टाइप है, पूरे इंडिया के गैराजेस में आपको बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कैशलेस हॉस्पिटल्स, अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है और आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो भी आपको बिना एडवांस कैश दिए मिल जाएगा अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो। उससे भी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट आपको नहीं करवानी है, यानी ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स, इनमें अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, पूरे इंडिया की डिटेल्स में आपको बताऊंगा कैसे निकालनी है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल कर पाएं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको इफ्को टोक्यो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पे आपको सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करें। इसके अंदर आपको ऑप्शन देखेगा लोकेटर्स, क्योंकि हम लोकेट करना चाहते हैं ब्रांचेस को, कैशलेस हॉस्पिटल्स को और नेटवर्क गैराजेस को, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमें नेविगेट करेगा उस पेज पे जहां पर हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच की। आपको ब्रांच की विजिट क्यों करनी पड़ती है, ब्रांच की आपको डिटेल्स क्यों चाहिए, पॉलिसी से रिलेटेड कोई सर्विस आपको चाहिए यानी कि उसमें कोई चेंजेस करवाने हो, पॉलिसी रिन्यू करनी हो, क्लेम से रिलेटेड कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी, तो ब्रांच से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके क्लेम में डिले हो रहा है तो भी आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मैं दिल्ली डाल देता हूं, सिटी न्यू दिल्ली। और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो जो भी हमने स्टेट और सिटी सेलेक्ट की है उसमें जो ब्रांचेज हैं उन सबके नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, सारी डिटेल आपको यहां पे दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आप ब्रांच में जाने की बजाय यहाँ डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फोन नंबर और ईमेल द्वारा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब ये तो बात रही ब्रांचेस की, अब बात करते हैं कैशलेस हॉस्पिटल्स की। अगर आप अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इफ्को टोक्यो के, तो आप कैसे सेलेक्ट करें कि आपकी स्टेट और सिटी में कौन से हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी, उसके बाद अपने हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे डालें। मैं डालता हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल। अब देखिए 5 फोर्टिस हॉस्पिटल हैं क्योंकि मेरे को फोर्टिस का एड्रेस चाहिए था, तो मैं ये वाला हॉस्पिटल क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये यहाँ पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हॉस्पिटल का जो नाम है वो यहाँ पे नहीं शो करता है, या हमें पूरी लिस्ट चाहिए कैशलेस हॉस्पिटल्स की, तो वो आप राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स PDF। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे इंडिया में जो कैशलेस इनका टाई अप है जिन जिन हॉस्पिटल के साथ, उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप अपने सिटी और स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ से भी हॉस्पिटल्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कैशलेस हॉस्पिटल्स की, लेकिन कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना है क्योंकि वो ब्लैकलिस्टेड कर रखे हैं कंपनी ने, उन्हें कहा जाएगा लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स। वो लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो ये वो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, ना ही कैशलेस क्लेम और ना ही रिइंबर्समेंट क्लेम, यानी बाद में भी अगर आप एक्सपेंस क्लेम करना चाहें तो वो भी आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। तो ट्रीटमेंट से पहले ये लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स आप जरूर चेक कर लें, तो दोनों लिस्ट आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। अब फाइनल बात करते हैं कैशलेस गैराज की, यानी अगर आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, टू व्हीलर की या कमर्शियल व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप गैरेज कैसे ढूंढेंगे कि जहां पे आपका कैशलेस रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चूज करना है कि आपकी कार है, कमर्शियल व्हीकल है या टू व्हीलर है। हम कार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट जहां आप ये रिपेयर करवाना चाहते हैं, दिल्ली NCR। अब सिटी की जहां, जिस शहर में आपको ये काम करवाना है, गुड़गांव। गैरेज टाइप कैसी चाहिए, डीलर टाइप। डीलर टाइप का मतलब है जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है उसी कंपनी का ऑथराइज्ड वर्कशॉप आप चाहते हैं तो डीलर टाइप पे क्लिक करें। मल्टी ब्रांड गैराज का मतलब है कि वो गैराज सभी कंपनियों का काम करती है और वहां पे आपको इफ्को का कैशलेस फैसिलिटी भी मिल जाएगी। विंडशील्ड का मतलब ये है जो सिर्फ ग्लासेस चेंज करते हैं, गाड़ी के शीशे सिर्फ चेंज करते हैं फ्रंट के या बैक के, वो विंडशील्ड से रिलेटेड सर्विसेज आपको चाहिए तो वो यहां पे क्लिक करने से मिल जाएंगी। हम सबसे पहले डीलर टाइप के थ्रू देखते हैं और गाड़ी कौन सी कंपनी की है, मैं यहाँ मारुति डाल देता हूँ।
सबमिट करते हैं तो ये सारे जो है ना ऑथराइज डीलर आ गए हैं इस एरिया में, जो भी मारुति ऑथराइज वर्कशॉप है वो ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम ट्राई करते हैं मल्टी ब्रांड, मान लो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, आप यहाँ पे जाके इफ्को की कैशलेस फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी का ब्रांड यहाँ पे दोबारा मैं मारुति डालूंगा, आप अपनी गाड़ी का ब्रांड डाल सकते हैं, सबमिट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स हैं और यहाँ पे इफ्को की कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, ये यहाँ पे दिखा दिया है। एड्रेस और सिटी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। अब बात करते हैं विंडशील्ड की, यानी सिर्फ ग्लास आपको चेंज करवाना है, 3-4 घंटे में गाड़ी आपको मिल जाती है, तो ग्लास जो चेंज करने के एक्सपर्ट्स भी अलग से होते हैं, जो गैराजेस से अलग होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। विंडशील्ड के बाद यहाँ पे ग्लास सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, तो ये देखिए इन्होंने दिखा दिया ये सिर्फ ग्लास चेंज करने के एक्सपर्ट्स हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब गाड़ी के अलावा अगर आपको कमर्शियल व्हीकल है तो सेम डिटेल्स आपको कमर्शियल व्हीकल क्लिक करके डालनी है, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर क्लिक करके डिटेल्स डालें, ये सारी कैशलेस गैराजेस आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब दोस्तों आपने जान लिया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की कैशलेस फैसिलिटी कहाँ कहाँ मिलेगी, कैशलेस ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगी, और अगर क्लेम से रिलेटेड पॉलिसी रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं पूरे इंडिया में। वीडियो में दी गई जानकारी से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।